हेलो, वेलकम टू रॉक माई टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के हिडन इमोशन। ठीक है, लेट्स सी, हम चेक करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के हिडन इमोशंस क्या हैं आपके लिए। ठीक है, हम इमोशंस पे बात करेंगे। आपके पर्सन के हिडन इमोशंस, वो क्या इमोशंस रखते हैं जो आपको बताते नहीं है। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज सेंड अस एंड स्पीड गाइड टू गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के पर्सन के हिडन इमोशन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के हिडन इमोशन। आप जिसके लिए रीडिंग देखना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। लेट्स सी, चेक करते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के हिडन इमोशन, आपके पर्सन आपके लिए क्या इमोशंस आपसे हाइड करते हैं। ओके ओके, यहाँ पे है ऑर्फेंड। आप लोग के बीच यहाँ पे एक जैसे चीजें खत्म हुई हैं, या तो अकेलापन आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर। ये बात आपके पर्सन आपको बताते नहीं है, जब आप उनकी लाइफ में नहीं होते बहुत ज़्यादा अकेले पड़ जाता है ये पर्सन। ठीक है, इसकी लाइफ में इसके पेरेंट्स हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, चाहे ये बहुत ज़्यादा इसके इर्द गिर्द लोग हो, लेकिन आपके बिना ये पर्सन एक अकेलापन फील करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेला हो जाता है। आपके पार्टनर के हिडन इमोशंस, टाइम फॉर अ नैप। आपके पर्सन आपके बारे में रात में बहुत ज्यादा सोचते हैं। जब भी वो एक या तो सोने जाते हैं, या तो जब भी उनके पास एक जब भी उनको एक फ्री टाइम मिलता है, जब उनके इर्द गिर्द लोग नहीं होते। ठीक है, जब वो आपके बारे में सोचते हैं, आप लोग, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये कनेक्शन एक नेवर एंडिंग स्टोरी है। ठीक है, ये पर्सन इस कनेक्शन को समझता है कि आपके साथ इस पर्सन की कहानी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक ऐसे इस पर्सन की लाइफ में पर्सन है जो हमेशा कनेक्शन, जो हमेशा चीज़ों को देखने वाले, समझने वाले इंसान है। ठीक है, आपके पार्टनर के हिडन इमोशन, आपको लेकर आपके पर्सन के इमोशंस क्या हैं। हैप्पी हैप्पी, आप उनकी लाइफ में हैं तो बहुत ज़्यादा वो खुश हैं। ठीक है, वही बात आपको बताएं ना बताएं, जब आप उनसे कनेक्ट हो जाते हैं, चाहे वो अपने इमोशंस आपके सामने रखें ना रखें। ठीक है, आपका ना होना उनकी लाइफ में अकेलापन लाता है, आपका ना होना उनकी लाइफ में एक सैडनेस लाता है, उनको अकेलेपन का एहसास रहता है कि जब आप उनकी लाइफ में नहीं है तो उनको लगता है कि कोई भी नहीं है। इट मीन्स समझने वाला ही कोई नहीं है। ठीक है, एक ट्रुथ टू बी टोल्ड, कुछ सच है आपके पर्सन ने अपने इमोशंस से रिलेटेड आपको कभी भी नहीं बताया। ठीक है, जैसे वो खुश रहते हैं आपके होने से, ये बात उन्होंने कभी भी एक्सप्रेस नहीं करी, या कभी भी कन्फेस नहीं करी, या कभी भी आपके क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में कभी भी इस पर्सन ने बताया नहीं है। ठीक है, हमेशा एक मास्क वेयर करके रखता है, कभी भी अपने फीलिंग्स को एक ओपनली आपके सामने कन्फेस नहीं करा इसने। ठीक है, ये कभी भी नहीं बताता कि आप इसकी, जैसे आपके पास एक इसकी जो हैप्पीनेस है उसकी, उसके जैसे एक चाबी है आपके पास। ठीक है, ये आपके साथ एक लाइट एनर्जी में रहता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ज़्यादा पीस फील करता है, बहुत ज़्यादा एक सुकून का एक इसको एहसास आपके साथ कनेक्ट होने पे होता है। इमेजिनेशन, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमेजिनेशन करता है, ये आपको अपने फ्यूचर में देखना चाहता है। ठीक है, ये आने वाले वक्त में अपनी अपने फैमिली में आपको देखना चाहता है, ये आपको अपनी फैमिली का पार्ट समझता है। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ, ये बहुत ज़्यादा शोर शराबे में आपके बारे में नहीं सोचता, ये आपके बारे में लोगों से भी बात नहीं करता। ठीक है, ये पर्सन जब सोचता है आपके बारे में, जब ये अपनी लाइफ में एक उस टाइम पे होता है जब वहाँ जहाँ इसको एक जैसे सो रहा होता है, या तो सोने लेटता है, या तो एक पीस आता है, जब इसको एक आराम का टाइम मिलता है उस टाइम ये आपके बारे में सोचता है। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के हिडन इमोशंस, नेवर एंडिंग स्टोरी। इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके साथ इस पर्सन की चीजें कभी खत्म नहीं हो सकती। ठीक है, अभी नहीं, कभी खत्म नहीं होती। कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है आप दोनों के बीच। ठीक है, आप लोग के बीच यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, ऐसा हो सकता है अभी आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, या तो कनेक्टेड भी हैं तो एक आप लोग जैसे ऐसे सर्कमटेंसेस है, आप अपने दिल की बात एक दूसरे से कन्वे नहीं कर पा रहे,
वो जो चीजें आपके पास हिडन है वो हिडन है, जिस पर्सन के पास हिडन है वो हिडन है, लेकिन ये दोनों ही जानते हैं नेवर एंडिंग स्टोरी है। आप दोनों कितना ही एक दूसरे से अलहदा हो जाएं, आपके इमोशंस एक साथ आके जुड़ते हैं, आप लोग चाहे कितना ही दूसरे से दूर चले जाएं, आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते ना एक साथ। आप लोग यहाँ पर एक साथ का मकसद ये है, एक साथ आप लोग खुश तो होते हैं, अंदर ही अंदर होते हैं। आप जो एक दूसरे के बीच जो कन्फेशन नहीं दे रहे, खासतौर पर ये पर्सन जो आपको कन्फेशन नहीं दे रहा था वो आपको कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में डालता है, ठीक है। आप लोग के बीच यहाँ पर आप खामोश बैठे रहेंगे तो ये पर्सन कुछ नहीं बोलेगा, आप इससे सवाल करने लग जाए ये पर्सन इरिटेट होता है, भागने लग जाता है, क्योंकि सवालों के जवाब नहीं देना चाहता। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये राइट टाइम नहीं है इसके, ये आपको सवालों के जवाब दे, सही टाइम आएगा तो ये आपको सब कुछ बताएगा, ठीक है। ये जो चीज़ें हाइड रखना चाहता है वो हाइड रखना चाहता है, फिर वो आप इससे कितनी भी कोशिश कर ले पूछ नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे है सोलमेट, ये पर्सन आपको अपने सोलमेट की तरह दिखता है, लेकिन ये बात भी सच है आप लोग के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच ब्लॉकेजेस हैं। आप लोग का कनेक्शन आसान नहीं है, इजी नहीं है, ये इसको इजी नहीं कहेंगे, राउंड एंड राउंड आप लोग की साइकिल बार बार चली है, बार बार ख़त्म हुई है, लेकिन कुछ सच है जो इस पर्सन के दिल के अंदर ही है, वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया गया, ठीक है। ट्रस्ट ट्रुथ टू बी टोल्ड, ठीक है, इसने कुछ बताना है आपको, कुछ ट्रुथ बोलना है। इस पर्सन ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने फेस पे मार्क्स वेयर करा हुआ है, ठीक है, अनफिनिश्ड सिम्फनी, लेकिन ये पर्सन जानता है चीज़ें आपके साथ इतना आसान नहीं है कि आपके साथ चीज़ें ख़त्म कर दे, ये इतना पॉसिबल नहीं है। ब्लास्ट, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये हिडन इमोशंस इस पर्सन के हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है ये कनेक्शन ब्लास्ट है, ठीक है, ये कनेक्शन ब्लास्ट है। जब भी कुछ होता है आप लोग फिर दोबारा एक साथ आ जाते हैं, ये रात के टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन में रहता है, बहुत ज़्यादा इमेजिन करता है आपको, बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में चीज़ें, फ्यूचर, हर चीज़ सेटलमेंट कैसे होगी, अगर सेटलमेंट हो जाएगी तो कैसा रहेगा, आप लोग एक साथ कैसे रहेंगे, कुछ उस टाइप की सिचुएशन, ठीक है। ट्रुथ टू बी टोल्ड, इस ये पर्सन जानता है कभी भी आप लोग की स्टोरी ख़त्म नहीं हो चुकी, हो सकती सच यही है, लेकिन ये हमेशा आपको मुँह पे कहता है कि मैं तुमसे कनेक्ट नहीं रहना चाहता, या मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, या मेरी लाइफ में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी में चले जाओ, मतलब एक मार्क्स फेयर करा हुआ है, इसकी लाइफ में बहुत कुछ चलता है, ठीक है, मतलब कि आपको लेकर ये परेशान है, ये जो आपको नहीं दे पाता वो आपको देना चाहता है, इसके हिडन इमोशन है, अनफिनिश सिम्फनी। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप इसके सोलमेट हैं, आपके साथ मामला कभी ख़त्म नहीं हो सकते, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर मिल्क एंड हनी, इस पर्सन को जो भी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं हम लोग के बीच सेटलमेंट पे आएंगी, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ऑब्जर्वर है ये पर्सन, कहीं ना कहीं से आपको ऑब्जर्व करता है सोशल मीडिया अकाउंट्स, या आप इसके अकाउंट्स में ऐड भी हैं, या तो ये बात नहीं कर रहा तो, लेकिन आपकी जैसे हर मूव पे इसकी नज़र होती है, हर आपकी एक्टिविटी पे इस पर्सन की नज़र रहती है, और अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं भी हैं तब भी इस पर्सन की नज़र आपके ऊपर बनी हुई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली ऑब्जर्व करता है आपके बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन होती है ये टाइम टू टाइम निकालता रहता है। ऐसा मत समझा करें कि इसके इसको इसको इस चीज़ की खबर नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसको हर चीज़ की खबर है, ठीक है, ये बाखबर है हर चीज़ से, आपकी ज़िंदगी से बिल्कुल इसको हर बात का अंदाज़ा है। कुछ एंड हुआ है आप लोग के बीच, स्ट्रांगली कुछ एंड हुआ है, ये पर्सन इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस थी, ये पर्सन एक्शन नहीं ले रहा था या अपने मेंटली ब्लॉकेजेस से निकल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से आप लोग के बीच कुछ ख़त्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर इस पर्सन को इस चीज़ का बेहद एहसास है, जो चीज़ भी आप लोग के बीच ख़त्म हुई है उससे बहुत ज़्यादा पेन में है, अकेलेपन में है, ठीक है, एक रियलाइजेशन का फेज भी है, इमोशंस को अपने समझ भी रहा है, देखिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जहाँ ये सोचता था मेंटली ब्लॉकेजेस हैं, जहाँ ये सोचता था कुछ बदल नहीं सकता, इसको लगता है पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको पॉसिबिलिटीज़ को खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। मैं ऊपर को क्लारिफाई नीचे यहाँ पे कर करके रखती रहूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इजी रहेगा मुझे एक्सप्लेन करना, ठीक है। यहाँ पर ये जो अकेलेपन का ऐसा था, जो मेंटली ब्लॉकेजेस, लगता था कि आप दूर हो जाएंगे या तो ये इस कनेक्शन को ख़त्म कर देगा, इसकी लाइफ में ईज आ जाएगी, आसानी आ जाएगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका, ठीक है। इस पर्सन ने आप मेंटली स्टकनेस, मेंटली ब्लॉकेजेस, बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपनी जिम्मेदारियाँ थी या अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इसने उसमें खुद को रख लिया, इसने चूज़ आपको नहीं करा, इसने अदर साइड चूज़ करी, लेकिन ये अकेला रह गया आपके बिना, बहुत ज़्यादा खामोश हो गया, अकेलेपन का इस पर्सन को अंदर से एहसास रहता है, इमोशंस को फील कर सकता है, आपके लिए खुद को बदलना चाहता है, आपके लिए रास्ते बनाना चाहता है, अगर पास में रास्ते नहीं बनाना चाहता था, बहुत ज़्यादा रिजिड था, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, बहुत ज़्यादा अपनी चलाता था, या इसका बिहेवियर आपके साथ बहुत बैड था, तो आप समझ रहे हैं अगर इसको ये कनेक्शन चाहिए, अगर ये कनेक्शन अंदर से ये फील कर रहा है कि आपके बिना इसका गुजारा नहीं है, आप इसकी लाइफ का वो हिस्सा हैं जो आपको ये पीछे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकेगा, तो खुद को बदलना चाहता है अब आपके लिए, ठीक है। Time for a nap.
सोते वक्त तो आपके आपके ख्यालात, आपकी पिक्चर्स को देखना, आपको समझना, आपको सुनना, ये सब बहुत ज़्यादा चलता है इसके अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर आपके कनेक्शन से भागा है, बहुत ज़्यादा भागा है, ठीक है। ये भागा है आपके कनेक्शन से, इसने इसको ऐसा था कि आप इसको कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। ये आपके कनेक्शन से भागा है, और ये ऐसा नहीं है जब भी भागा है तो इसने आपके बारे में सोचा नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचा है, ठीक है। ये सोचता शुरू से था, डे वन से सोचता आ रहा है आपके बारे में, और बहुत ज़्यादा सीरियस पॉइंट पर सोचता आ रहा है। कोई ऐसा नहीं कि आपके साथ फन फ्लर्ट, नहीं, ये सोचता था कि आपका हर एक्ट या आपका हर मूव इस पर्सन को इतना इतना क्यों पिंच करता है, या इसको क्या असर है आपके हर मूव का। इसकी लाइफ में आप कुछ भी करते हैं, चाहे पास्ट में भी कुछ भी कर रहे थे, लेकिन इस पर्सन को स्टार्टिंग से जो भी आप कर रहे थे, इसको असर पड़ रहा था आपके हर चीज़ का, ठीक है। 8-8 की एनर्जी, आप लोग के बीच कोई थर्ड पार्टी भी आई हो सकती है, कोई कार्मा फेस करा हो सकता है। इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, वो आपको कार्मिक लगा, या इसका बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर रहा, वो कार्मिक लगा, इसने थर्ड पार्टी को डील करा, लेकिन कोई कार्मा ज़रूर चला है, ठीक है, कोई कार्मा चला है। टेरिफाई, हैप्पी, हैप्पी, हिडन इमोशन, आपके पर्सन के हिडन इमोशन, सब कुछ ही हिडन है। अब तक आपके पर्सन ने आपको बताया ही क्या है, कुछ भी नहीं बताया, ठीक है, मतलब कि एक्सप्लेनेशन दी नहीं अपने इमोशंस को लेकर। ये पर्सन आपको हमेशा ये शो करता आया कि आपके बिना खुश है, ठीक है, आपके बिना खुश है, आपके बिना खुश है। इसके पास इस चीज़ की क्लैरिटी है, ये आपके बिना बहुत परेशान है, ये आपसे भागकर खुद को खुश नहीं रख सकता, ये आपसे स्टार्टिंग से ही भागना चाहता था, ठीक है, ये आपसे दूर जाना चाहता था, क्योंकि आप इसको ट्रिगर करते थे, आप इस पर्सन को एक चैलेंज की तरह मिले, ठीक है। इसके अंदर जो खामियां थी आपने इस पर्सन को मुंह खोल खोल कर बताई हैं कि एक सीधे रास्ते पे चलो, अच्छे लोगों में उठक बैठक करो, या अपनी गैदरिंग अच्छी करो, या अपने तरीकों को सही करो, ठीक है। तो इस पर्सन को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा समझ में आई है। ये पर्सन सिर्फ आगे बढ़ना चाहता था, शॉर्टकट हो, लॉन्ग कट हो, बस आगे बढ़ना है। मतलब कि ज़्यादातर इसकी लाइफ में शॉर्टकट ही अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करता आया है, लेकिन आपने इसको एक एक लॉन्ग टर्म चूज कर कर, और एक बहुत ज़्यादा एक पुख्ता एक सक्सेस बना कर दिखाया। जो ये पर्सन आपके आपने शुरू से लव करा, लेकिन इस पर्सन ने आपको इतना रेजिस्ट किया, इतना रेजिस्ट किया, लेकिन इस टाइम फ्रेम पे ये एक्सेप्ट करता है लॉन्ग टर्म के रास्ते बहुत अच्छे होते हैं, चाहे उसके अंदर तकलीफ होती है, चाहे उसके अंदर पेन होता है, लेकिन एट द एंड कुछ सक्सेसफुल हाथ आता है। जैसे कि ये पर्सन ये आपके लिए खुद को बदलना चाहता है, ठीक है, अब आपके लिए खुद को चेंज करना चाहता है। जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था, समझ गया वो खोखली है, चाहे वो फाइनेंशियल थी, चाहे वो कार्मिक पार्टनर्स थे, चाहे वो कार्मिक फैमिली थी, चाहे वो कोई भी थर्ड सिचुएशन थी, जिनके पीछे भाग रहा था वो ये बात अंडरस्टैंड कर रहा है, वो खोखली है, वो इसको कभी भी पीस नहीं दे सकती, वो कभी भी वो बैलेंस नहीं दे सकती जो आपके साथ मिलता था, ठीक है। टेरिफायर, नेवर एंडिंग स्टोरी, बहुत ज़्यादा गोस्ट करा इस पर्सन ने आपको, कभी कोई क्लैरिटी नहीं दी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अपने अपने पैशन को, अपने लव को बहुत ज़्यादा मतलब कि कंट्रोल करना। ये इंट्यूटिवली जानता है आप इसके अदर हाफ है, ये इंट्यूटिवली जानता है आप इसके काउंटर पार्ट है। इस पर्सन ने आपको मैनिफेस्ट करा है, आप ऐसे ही इसकी लाइफ में देखें। यहाँ पर भी जैसे इन्फिनिटी का साइन है, 1, 2, 3 स्ट्रेंथ की कार्ड पे भी, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक इन्फिनिटी रही है आपकी लाइफ में। जहाँ से शुरू हुआ आप लोगों ने वहीं से चीज़ें स्टार्ट करी, फिर दोबारा जहाँ से शुरू, वो आपके लिए नहीं हो रहा था, वो इस पर्सन के लिए हो रहा था। इस पर्सन को बार बार बताया जा रहा था, कहीं भी जाओगे तुम्हें मैं यहाँ ला के खड़ा कर दूंगा, तुम कहीं भी जाओगे मैं तुम्हें इसी जो तुम्हारा तुम जो डेस्टिनी लेकर पैदा हुए हो, तुम जो डेस्टिनी लेकर इस दुनिया में आए हो, तुम्हें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। तुम अपनी मर्जी से चीज़ों को नहीं कर सकते, तुम्हें इस इंसान को, इसको मैनिफेस्ट किया अपनी लाइफ में, तुम्हें अब इसके लिए इंसान बनना पड़ेगा। ये खुद इंसान नहीं था, इसको चाहिए था सामने से बहुत अच्छा इंसान, ठीक है। इसने आपको मैनिफेस्ट कर लिया, आप इसकी लाइफ में आ गए, इसने अब आपके साथ करी गोस्टिंग, इसने आपके साथ करी अपनी नेगेटिविटी, लेकिन इसका इनर सेल्फ जानता था आप जो हैं और एक अच्छे और एक सुलझे हुए इंसान है, ठीक है। जिसके साथ ये कनेक्ट कर रहा है वो एक अच्छा और एक सुलझा हुआ इंसान है। नॉर्मली ऐसे लोग मिलते नहीं हैं, लेकिन उस वक्त इसको क्या चाहिए था, उसको तो ये सब कुछ चाहिए नहीं था। उस वक्त अपनी ज़िंदगी में ये धुत था, अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था, अपनी ज़िंदगी में हर तरीके का एंजॉय करना चाहता था ये, ठीक है। क्लैरिफाई सोलमेट, आप लोग के कनेक्शन में इन्फिनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रोल अदा कर रही है। आप लोग बार बार एक ही चीज़ से निकले और एक ही चीज़ में फंसे, ठीक है।
ये पर्सन अब इस टाइम फ्रेम पे चाहता है आपके साथ टीम वर्क और आपके साथ आगे बढ़ना, ठीक है। जैसे अब सब कुछ आपके फेवर में टर्न हो चुका है, ठीक है, लक आपको फेवर कर रहा है, हर चीज़ आपको फेवर कर रही है, आपके साथ चाहता है टीम वर्क करना, आपके साथ कनेक्ट होना, आपके बिना ये स्लीपलेस नाइट में, आपके बिना ये परेशान है, बहुत ऑफ विजडम गेन हो रहा है कि आप नहीं है तो इस पर्सन की लाइफ क्या है, और आप नहीं है तो दुनिया क्या है, ठीक है। किसी और को चूज कर लो, कर लो तुम एज यू विश, मर्जी है, लेकिन चूज करके देख लिया क्या मिला, कुछ भी नहीं, ठीक है। क्लैरिफाई बिल्डिंग ब्लॉक्स, किस चीज़ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स है इस कनेक्शन में। ये मैरिज आपकी तरफ, मैरिज ये पर्सन जानता है आप मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उस चीज़ के लिए कोई ब्लॉकेज है, कास्ट कल्चर इशू है, या तो फैमिली तक कन्वे करना बात इशू है, या तो फैमिली तक पहुंचना इशू है। यहाँ पर बिल्डिंग ब्लॉक्स को क्लियर कर रहा है फोर ऑफ वैंड्स आपके लिए, इस पर्सन के लिए एक कमिटमेंट, क्योंकि आप कमिटमेंट चाहते हैं, अगर आपको रखना है तो आपको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, आपको रखना है तो मैरिज करनी पड़ेगी, आपके साथ आगे बढ़ना है तो आपको एक प्योर लव देना पड़ेगा। ये विश भी करता है आपके साथ न्यू बिगनिंग की, हीलिंग की, क्योंकि पैशनेट इस कनेक्शन है, आगे बढ़ना चाहता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स इसके लिए एक मैरिज है, ठीक है, मतलब कि इसके लिए ये काम करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको ये देगा तो चीजें आपके साथ आगे बढ़ सकती हैं, चीज होल्ड बैक करता है कि इसके लिए अभी फिलहाल के लिए ब्लॉकेजेस की तरह है, मतलब कि या तो फैमिली एग्री नहीं है, या तो कोई बड़ा बहन भाई है, या तो यहाँ पर इसको फाइनेंशियल इशू है, ठीक है, कुछ ना कुछ है, ये जानता है। यहाँ पर आपके आपको स्टेबल ऑफर चाहिए, और आपको स्टेबल ऑफर देने के लिए इसके लिए अभी प्रॉब्लम है। क्लैरिफाई क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स मैरिज पे क्या प्रॉब्लम है, लेट्स सी। कंफ्यूज, ये सही रास्ता चूज करना चाहता है, ठीक है, और राइट टाइम पे आपको अप्रोच करना चाहता है मैरिज के लिए, और यहाँ पर इसकी लाइफ में अगर ऑप्शंस भी थे तो ये आपको चूज करना चाहता है, ठीक है। अगर कमिटमेंट फोबिक था, कमिटमेंट से भागता था, तो आपको चूज करना चाहता है, जानता है आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, आप इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं इस टाइम फ्रेम पे, आप बहुत ज़्यादा फोकस हैं, ठीक है। क्या ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स इस कनेक्शन में, क्लैरिफाई ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स क्या है इस कनेक्शन में, आपके कनेक्शन में ब्लेसिंग्स क्या हैं भाई। इस कनेक्शन की ब्लेसिंग्स ये हैं, चाहे अभी आपको कोई भी कुछ भी होता हुआ दिख रहा हो, ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल एंड टेन ऑफ पेंटिकल, आपको स्टेबिलिटी मिलनी ही मिलनी है इस कनेक्शन से, ब्लेसिंग्स से इस कनेक्शन की, ठीक है, ये ब्लेसिंग्स में काउंट होगा, ये सच में ब्लेसिंग्स ही है। रिकंसाइलेशन होगा आप लोगों का, ठीक है, आप अपनी लाइफ में इस पर्सन के साथ कनेक्ट करेंगे, ये पर्सन आएगा आपको लव केयर देगा, आप अगर इसने कुछ गलत किया है तो उसकी माफ़ी भी मांगेगा। ब्लेसिंग्स ये है, जो आपने इधर इन्वेस्ट किया है, जो आपने वेट किया है, वो आपका जैसे करामत होगा, वो वेट आपका ज़ाया नहीं जाएगा, ये ब्लेसिंग्स है। क्लैरिफाई इमेजिनेशन, ये पर्सन की इमेजिनेशन क्या है इस कनेक्शन को लेकर, या आपको लेकर ये क्या इमेजिनेशन करता है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एक फायरी एनर्जी में देखता है, एक अट्रैक्शन है, एक पैशन है, ये पर्सन आपको एक खूबसूरत, या तो इसका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर, लेकिन आप पता है क्या, इमेजिनेशन में आप बहुत ज़्यादा एक केयर फ्री पर्सन बन चुके हैं, अब ये इस चीज़ से परेशान है। पहले आप इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, पहले आप इसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सब सोचते थे, अब आप क्या कर रहे हैं, ये देख रहा है इमेजिनेशन में, इस पर्सन ने आपको स्टेबल और कमिटमेंट देखा, लेकिन अब आप क्या है, इसकी इमेजिनेशन से बरक्स हो चुके हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा केयर फ्री हैं, आप इसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, ठीक है, इसको जैसा अच्छा लगता है वो वैसा करे, आप इसमें आप टांग नहीं अड़ाते, ठीक है। राउंड एंड राउंड, क्लैरिफाई राउंड एंड राउंड, ये पर्सन जानता है ये कहीं भी चले जाए आपके पास आके कनेक्ट होगा। नाइट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इसने राउंड एंड राउंड इसने अपनी चॉइसेस को एक्सप्लोर करा, इसने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखे, लेकिन इसकी लाइफ में एक बैलेंस आप लेकर आते हैं, एक बैलेंस एनर्जी। देखें बहुत ज़्यादा फाइट हुई, बहुत ज़्यादा सब कुछ हुआ राउंड एंड राउंड, लेकिन यहाँ पर ये टू ऑफ कप्स आप लोग की डेस्टिनी है, ठीक है, टू ऑफ कप्स, इस पर्सन कुछ भी हो जाए, कितने भी ऑप्शंस आ जाएं, लेकिन इसका लास्ट चूज ये किसको करेगा, वो आपको ही करेगा, ठीक है, आपकी तरफ ही मूव करेगा। आप लोग के बीच मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड है बहुत ज़्यादा, इस राउंड एंड राउंड बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक जर्नी रही है, बहुत कुछ आपने सफ़र करा इस कनेक्शन में, ठीक है। ट्रूथ टू बी टोल्ड, क्या सच है इस कनेक्शन का, आप सिंगल हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, पर्सन आपको कुछ बताना चाहता है, लेकिन अपनी आप सक्सेस में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप अपनी लाइफ में बिजी हैं, फोकस हैं, ये पर्सन आपको कुछ ट्रुथ बताना चाहता है, बहुत ज़्यादा विजडम है इस पर्सन के पास, बहुत ज़्यादा इसने रियलाइज़ करा है, ये कुछ कम्युनिकेट करना चाहता है जस्टिस को लेकर, आपको कुछ देने को लेकर, आपको कुछ बताने को लेकर, कुछ बात करना चाहता है, इसको कुछ सच कहना है, लेकिन अब आपको ऐसा लगता है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आपको सच में इंटरेस्ट नहीं है,
ये कुछ एक्सप्लेन करेगा, ये आपको कुछ कन्फेस करेगा, आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है। अगर ये मार्क्स फेयर करा हुआ है तो करा रहे, ठीक है। आप केयर फ्री हो चुके हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, अपनी सक्सेस को इंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख रहे हैं, ठीक है। आपकी जिंदगी अच्छी चल रही है। अनफिनिश सिम्फनी, क्लारिफाई अनफिनिश सिम्फनी। टेम्परेंस, इस पर्सन को ऐसा लगता है चाहे अभी ये कितना ही परेशान है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, लेकिन ये पर्सन आपके साथ ही बैलेंस जाता है, ठीक है। इसकी लाइफ में बहुत कुछ है, इसको लोगों ने आपके बारे में बहुत बातें करी, सब कुछ करी, बहुत ज़्यादा ख्यालात हैं और अपनी गलतियाँ इसको याद आ रही हैं, जो इसने लोगों के कहने में आकर आपके साथ जो करा है, उसको रात को सोते हुए बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती हैं चीज़ें। जब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉजिटिव सोच रहा होता है, जब अभी आपको एडमायर कर रहा होता है, तो इसको एक नेगेटिविटी का भी फेयर सता रहा होता है उस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। पैशनेट है, बहुत ज़्यादा आपको पैशनेट देख रहा है, बहुत ज़्यादा आपका थर्ड आई चक्रा ओपन है, आप स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, अपनी एनर्जी को इंजॉय कर रही हैं, आपकी ये आपकी एनर्जी देख कर आपकी तरफ बेहद अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता है। क्लारीफाई मिल्क एंड हनी, क्लारीफाई मिल्क एंड हनी। यहाँ पे मिल्क एंड हनी का क्या क्यों कार्ड है? यहाँ पे है ये पर्सन दी एम्परर की तरह, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर आपकी लाइफ में बैलेंस, आपके साथ एक बैलेंस बनाना चाहता है। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, ये बैलेंस बनाना चाहता है। इसको पता है यहाँ पर अगर इस कनेक्शन में इस पर्सन को चाहिए तो यहाँ पर इसको बैलेंस बनाना पड़ेगा आपके साथ, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा वेट करा है कि इस पर्सन ये पर्सन आपके इस कनेक्शन में बैलेंस बनाए, कंप्लीशन लाए, एक बैलेंस एनर्जी हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपने इंतज़ार करा। ये पर्सन यहाँ पर अब समझ रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी अपनी हरकत को, अपनी हरकतों को सब समझ रहा है। कितना रिजेक्ट, कितना कॉन्फिडेंट था, इसका कॉन्फिडेंस यूनिवर्स ने कैसे चूरम चूर करा है, ठीक है। ये क्या सोच रहा था यहाँ पर कि ये जैसा चलाएगा वैसे चलेगा? नहीं, यूनिवर्स ने बताया जैसा हम चलाएंगे वैसे चलेगा, ठीक है। पहले ये इसके हाथ में था सब कुछ, ये चाहता तो अपने आप को सुधार करके आपको अप्रोच कर सकता था, आपको आपको यहाँ पर ये हर्ट करने के बजाय ये आपको खुश भी रख सकता था, लेकिन इसने सब कुछ नहीं करा, ठीक है। देखते हैं आपके लिए इस कनेक्शन में एडवाइस क्या है। ये सब कुछ हाइड कर रहा है, मतलब कि बहुत कुछ है, सभी कुछ हाइड कर रहा है। आपको सिर्फ पिक्चर दिखती है इस पर्सन की और कुछ नहीं दिखता, ये सब कुछ इसके अंदर चलता है, ठीक है। आपके लिए एडवाइस क्या है इस कनेक्शन में? लेट्स सी, बिटवीन द वर्ल्ड। आपके अंदर एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है, आप एक डार्क साइड से निकलकर एक लाइट साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने लिए मेहनत करनी है, जो आप कर रहे हैं करते रहें, जो आपने खुद को बनाया है, जिस चीज़ से निकाला है आपने, अपनी मेहनत से निकाला है, ठीक है। केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट, आपको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना, ना इस पर्सन के साथ ना किसी और तीसरे के साथ। न्यू लाइफ आपके लिए, एक न्यू बिगनिंग इंतजार कर रही है। आप यहाँ पर एक जैसे एक न्यूनेस की तरफ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में बिगनिंग्स हैं। एक एक्सचेंजिंग गिफ्ट, इस पर्सन से आपको कुछ मिल सकता है, ये पर्सन आपके लिए कुछ कर सकता है, कुछ आपको दे सकता है गिफ्ट में। टू द सी, बहुत ज़्यादा अब आप यहाँ पर एक अलोन वाइफ जो आप रह रहकर आदी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं, आपकी उस एक अकेलेपन में आप इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आप डीपली डीप हैं आज भी, लेकिन अपनी अपने इमोशंस को किसी के ऊपर ज़ाया नहीं करना चाहते, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत कुछ सिर्फ आप देखते हैं, आप रश नहीं करते, बोलते नहीं हैं। ट्रेजर आइलैंड, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है, जो आपने अंदर एक रीजनरेशन, जो आपकी एनर्जी एक रीजनरेशन से गुजर रही है, जो आप यहाँ पर खुद को बदल रहे हैं, आपके लिए कुछ ट्रेजर रखा हुआ यूनिवर्स ने, जो आपको समझ शायद अभी नहीं आ रहा। आपको ऐसा लग रहा है जैसे हर दिन निकलता जा रहा है, वैसे ही ये दिन भी जा रहे हैं, चाहे आप खुद को बदल रहे हैं, खुद को सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आपके लिए आपकी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, चाहे आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन खुशियाँ आपको ज़रूर मिलने वाली और मिलेंगी, ठीक है। मिस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तैयार तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।